यही है, मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट्स लेंगे। मोहित, जिस तरह से आप घटनास्थल पर मौजूद हैं और आगे की बात को भी मैंने जो रोका था, पहले तो आप अपनी वो बात पूरी कर लें, और उसमें अब मुख्यमंत्री का ये आश्वासन कि चाहे कितना भी रसूख क्यों ना हो, जिस निर्दयता से इन लोगों ने लड़की को मौत के घाट उतारा है, कार्रवाई भी उतनी ही सख्त की जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको वो लोग दिखाता हूँ जो इस वक्त थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त थाने की तरफ आगे बढ़े हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ। और इनका कहना है कि जो ये सड़क हादसा है, सड़क हादसा नहीं है, ये कोई और घटना है, पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। तो तमाम लोग यहाँ पर हैं, आइए हम उनसे बात करवाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या मांग है आप लोगों की? भाई वो लोग हैं, हम नहीं है, न्याय चाहिए बस हमारी लड़की का, या तो उन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए या उन्हें सीधे फांसी दी जाए, तो बस जल्द से जल्द। तो क्या लगता है आपको, सड़क हादसा नहीं है ये? सड़क हादसा नहीं है ना, ये एक्सीडेंट है, ऐसे ये बनाया जा रहा है, ये सब गुमराह करा जा रहा है, क्योंकि पुलिस वाले ने कल सुबह से आज तक उस लड़की का फेस नहीं दिखलाया। क्यों नहीं दिखलाया? क्योंकि अभी कहाँ है, कहाँ नहीं है, किस हालत में है, कुछ है भी उसमें? और ये न्यू कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम, अरे क्या है हमारी लड़की, तो एक बार ये तो बता दो है भी या नहीं है। कितने हैवान हो गए क्या वो? पुलिस का कहना है कि उनको सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें पता नहीं क्या दिख रहा है, नोट था लिए, सारी बात ये है नॉर्मल से, ये तो नहीं, ये जो पोस्टर लग रहा है रियलिटी है, जो गमछे वाला ये सब में पड़ा तो, और यही सुल्तानपुरी का है। और सुबह भी इसने पुलिस भेजी है यहाँ से, हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे, से पुलिस वाला देख के भाग के आ गया। क्यों भाग के आया? ये लड़की थी जो अंजलि यहाँ पे रहती है, उसको ये आरोपी उसको जानते हैं क्या? नहीं नहीं, तो ही नहीं जानता। अब वो अवंती दास आ रही थी कहाँ से, उसे किडनैप करके बस वहाँ पे संजौला रोड पे उसके साथ जो किया है, उसके साथ रेप हुआ है, सारी आम ये बात है हमारे यहाँ। ए टू जेड लड़की थी, दल से स्टाफ में कितने कपड़े पहनती है लेडीज, नॉर्मल सी बात है, जेंट्स से ज्यादा ही पहनती है, और इस टाइम ठंड का मौसम है तो ए टू जेड कपड़े नहीं है, बच्ची थी शरीर पे मारी थे, कहाँ चले थे वो बच्चे, ये कपड़े सारे। सवाल पब्लिक के इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं, लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, और आप देखिए कि थाने के अगर गेट पे देखें तो तमाम इस वक्त लोग पहुंच चुके हैं और थाने का घेराव करा जा रहा है। लगातार मांग की जा रही है इंसाफ की उस लड़की के लिए जिसका सड़क एक्सीडेंट में एक दर्दनाक मौत सामने आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब इस मामले के अंदर 304 भी ऐड किया गया है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि लड़के ने शराब पी रखी थी और पांचों लड़कों के मेडिकल टेस्ट में ये निकल कर आया है। 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, आज कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। खुद पुलिस का कहना है कि उनकी रिमांड ली जाएगी। अगर अभी की बात करें तो इसमें फॉरेंसिक की टीमें जो है वो थाने के अंदर पहुंची है, जो एक्सीडेंटल कार है, एक्सीडेंटल स्कूटी है, उसका इस वक्त द्वारा फॉरेंसिक जांच की जाएगी। जो स्पॉट है, 2 स्पॉट है जहां पर लड़की की स्कूटी मिली जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था, और दूसरा स्पॉट जहां पर उसकी लाश मिली है, दोनों में 13 किलोमीटर का अंतर है, तो उस दोनों स्पॉट पर फॉरेंसिक टीम पहुंच के जांच करेगी। तमाम पुलिस की टीमें जो है वो जगह जगह पहुंच रही है, उस ट्रैक को खंगालने की कोशिश कर रही है, उस ट्रैक को ढूंढने की कोशिश कर रही है जहां पे लड़की के एक्सीडेंट होने के बाद लेकर गए थे। तमाम जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभी तक पुलिस 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख चुकी है। हम भी उस जगहों पर गए जहां पर लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, अलग अलग दुकानों से वहां से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से पुलिस ने स्टार्टिंग में बताया कि एक फेटल एक्सीडेंट है, उसके बाद अब जो लोगों का दबाव जो बढ़ रहा है, जो पुलिस से मांग की जा रही है, पुलिस की जो कार्य प्रणाली उसमें सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो पता लग रहा है तो पुलिस दबाव में दिख रही है, और पुलिस अब इसके गैर इरादतन हत्या का पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस शुरू से इस पूरे मामले को एक फेटल एक्सीडेंट बता रही थी, लेकिन जिस तरीके की फुटेज सामने आई है, जिस तरीके के एक्सीडेंट की सीसीटीवी सामने आ रही है, उसमें दिख रहा है कि आरोपियों की गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, लाउड साउंड के अंदर उन्होंने अपने म्यूजिक बजा रखा था। चश्मदीदों ने बताया है, एक चश्मदीद हमें मिले हैं जो जोमेटो में डिलीवरी का काम करते हैं, उन्होंने बताया कि 2:20 पे ही उन्होंने पुलिस को बताया था।